हम सर उपायुक्त महोदय से मिलना हुआ, हमारा ज्ञापन दिया हमने, जो सनवाल ग्राम पंचायत सनवाल में 1,20,00,000 घोटाला हुआ था उनके लिए 5 माह पहले कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था उपायुक्त महोदय के ऑफिस से, और आज हमने बातचीत की और जो 5 माह पहले कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था उसकी रिप्लाई आने के बाद क्या एक्शन हुआ क्या नहीं, और डीसी साहब ने हमें विश्वास दिलाया कि ठीक हम 5 या 1 हफ्ते के अंदर इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। किस तरह का घोटाला हुआ है? घोटाला मनरेगा प्रधान द्वारा मनरेगा मद में मतलब 1,20,00,000 प्लांट लगाने के लिए उन्होंने सेक्शन ली थी, और जिसमें धरातल पे उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया। जिस टाइम हमने शिकायत की, हमारे जो भी हैं युवा साथी उन्होंने शिकायत करने के बाद प्रधान द्वारा रातों रात 19,000 पेड़ लगाए गए, परंतु 48,000 लगाने थे धरातल पर, और उसमें जो पेड़ था उसकी भी जो वो थी देखने के लिए उद्यान विभाग से कोई भी NOC नहीं ली गई है कि किस तरह का पेड़ है, मतलब किस क्वालिटी का है और किस लेवल पे लगना चाहिए, जो कि प्रधान द्वारा 20 रुपये का पेड़ खरीदने के बाद 180 रुपये बिल पे चढ़ाया जाता है, और जिसमें नर्सरी कैपेसिटी जो जिस नर्सरी के बिल लगे वेंडर बना उसकी नर्सरी की कैपेसिटी कुल 22,000 थी, परंतु एक ही पंचायत के लिए 48,000 पेड़ बेचता है, एक ही पंचायत नहीं बल्कि 45 पंचायतों के लिए उसने पेड़ बेचे हैं, और जो कि कागजों में ही ये दर्शाया गया है और धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। और महोदय जी से हमने निवेदन किया है 1 हफ्ते या 5 दिन के ये कार्रवाई करने की कृपा करें, अन्यथा हमें उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने में कोई भी गुरेज नहीं करेंगे।